हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम ये एलईडी स्ट्रिप लाइट यूज़ करके आरजीबी ट्यूब लाइट बनाने वाले हैं, क्योंकि न्यू ईयर वगैरह आ रहा है, आप उसके लिए डेकोरेशन में कर सकते हैं, वरना आप दिवाली पर भी यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं 15 एलईडीज हैं। प्राइस इसका आपको मार्केट में मिल जाएगा 300। और ये फंटी आती है पीवीसी फंटी, आप इलेक्ट्रिक शॉप पर जाएंगे तो उनसे बोल सकते हैं कि हमें पीवीसी फंटी दे दो। ये 20 रुपये की आती है, इसका एक साइज़ आता है फुल, तो आपको पूरी फुल साइज लेके आनी है। चलिए शुरू करते हैं। और ये आरजीबी कंट्रोलर है, ये मात्र 50 से 100 रुपये में मिल जाएगा आपके घर के आसपास, आप ये देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ये एलईडी यूज़ करो, आप इसकी जगह एलईडी जो स्ट्रिप आती है आरजीबी 5 मीटर, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे को इसके ज़्यादा कलर अच्छे लगे तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप, 4 वायर हैं, रेड ग्रीन ब्लू और एक होता है इसमें ग्राउंड। ये हम कंट्रोलर की ये जो वायर है कनेक्टर, ये हम काट के हम यहाँ पे 4 वायर सोल्ड कर लेंगे। चलो मैं इसे पहले खोल लेता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो लाइक कर सकते हैं। देख सकते हैं मैं 12 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको वायर नहीं पता कि वायर आपको कैसे सोल्ड करनी है कहाँ, तो आप ऐसे बैटरी से लगा के चेक करके तब सोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर डबल साइड टेप लगा लूँगा और इस पंटी में लगा दूँगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमने लगा चुके हैं। हमने सेंसर और कंट्रोल की वायर बाहर निकाल ली यहाँ से, ये मैंने कट कर दिया था पहले। इसके ऊपर हम इसका फंटी का कवर लगा देंगे, चाहे आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ।